आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यूरिया टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है लैब के अंदर। आइए देखते हैं इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास यूरिया का L1 रिएजेंट है। हम 1000 माइक्रोन L1 रिएजेंट लेंगे। इसको ऐड करेंगे इस ट्यूब के अंदर। ये हमारे पास L2 रिएजेंट है यूरिया का। देखिए 100 माइक्रोन L2 रिएजेंट ऐड करेंगे ट्यूब में। देखिए 100 माइक्रोन L2 रिएजेंट ऐड करेंगे इस ट्यूब में। अब हम इसमें 10 माइक्रोन पेशेंट सीरम ऐड करेंगे। देखिए 10 माइक्रोन पेशेंट सीरम है। हम इसको ऐड करेंगे इस ट्यूब में। ऐड करने के बाद अब हम इसको 5 मिनट्स तक 37 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे। 5 मिनट्स के बाद हम इसको इसमें L3 रिएजेंट ऐड करेंगे। ये हमारे पास L3 रिएजेंट है, इसे क्रोमोजोन रिएजेंट कहते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 माइक्रोन L3 रिएजेंट। ये हमारे पास L3 रिएजेंट है, हमने 200 माइक्रोन ले लिया है। तो हम इसको ऐड कर देंगे इसमें। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम अगेन इसको 5 मिनट्स तक इनक्यूबेटर पर रख देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे। देन उसके बाद हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे और रन कराएंगे बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे। ये 5 मिनट्स तक इसे छोड़ देते हैं और ये हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है 5 मिनट्स का। देखिए कैसा कलर शो हो रहा है। अब हम इसको रन कराएंगे अपने बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पर। देखिए अब इसका ग्राफ चलेगा और रिजल्ट शो होने वाला है। देखिए ये हमारा यूरिया है 25.771 mg पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल है। देखिए ये है यूरिया टेस्ट।